वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका आज के सेशन में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अकाउंटेंसी जिसमें हमने लास्ट क्लास में एक अचीवमेंट किया था हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट नामक चैप्टर को एंड किया था इससे पहले कि नया चैप्टर स्टार्ट करें कल के लेक्चर में क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था उसे डिस्कस करेंगे और हमने जो कॉन्सेप्ट किया था फटाफट से उसकी बातचीत कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट वॉज रिगार्डिंग द कन्वर्टेबल डिवेंचर हमने कहा था देर इज समथिंग गोल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर एक सिक्योरिटी होती है जैसा कि नाम से क्लियर है डिवेंचर तो है लेकिन क्या है कन्वर्टेबल है मतलब इनको इक्विटी शेयर में तब्दील किया जा सकता है और हमारे सामने जो क्वेश्चंस आए थे उनमें हमने एक्चुअली देखा था कि वो मोमेंट आ गया वो मोमेंट आ गया जब वो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुए मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो मैं उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है बना रहा था लेकिन उस साल के दौरान ही जिस कंपनी में मैंने ये इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कहते कि आपको डैश परसेंट डिबेंचर के बदले हम कुछ इक्विटी शेयर दे देंगे तो हमने कहा था आपको डिबेंचर अकाउंट से उतना वैल्यू कम करना होगा और वो एक नए अकाउंट में चली जाएगी जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर जब भी कन्वर्जन होती है सबसे पहले हमें देखना पड़ता है उस मोमेंट पर उस डे पर उस डेट पर कि भाई कितने रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर अपने पास पड़े हैं क्योंकि सारे डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होते क्वेश्चन बताएगा कि कितना परसेंटेज हुआ पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट चालीस परसेंट पचास पर व क्वेश्चन विल से तो उतने पोर्शन को हमने कन्वर्ट करना है लेकिन मेन महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर कन्वर्ट हुए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कॉस्ट भी निकालनी है मैंने कहा था हमेशा यहां पर वेटेड एवरेज मेथड ही फॉलो होगा चाहे क्वेश्चन ना भी कहे आपको एवरेज मेथड ही लगाना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों था क्योंकि यूजली एफ में हम हमेशा फीफो मेथड ही लगाते हैं लेकिन अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर का केस है तो हमें लगाना है भाई एवरेज मेथड एवरेज मेथड लगाकर हमने उतनी कॉस्ट निकाल लेनी है एंड दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर वॉज दैट कि सेबी गाइडलाइंस में वो ये कहती हैं जिस दिन पर आपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में उस दिन अगर कोई पेंडिंग इंटरेस्ट है ड्यू इंटरेस्ट है तो वो भी इसी दिन जो है इन्वेस्टर को कंपनी को देना पड़ेगा तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं कहूंगा बाय बैंक जितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर कन्वर्ट हुए उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे सेम डे पर मिल जाता है राइट तो ये कुछ बातचीत जो है हमने की थी इससे संबंधित एक प्रश्न होमवर्क में था उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन वाज गिवन टू यू इन दी होमवर्क क्वेश्चन कहता अ प्राइवेट लिमिटेड फॉलोज द कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस कैलेंडर मतलब जो इन्वेस्टर है उसका ईयर है जनवरी टू दिसंबर द कंपनी परचेज फाइव थाउजेंड नंबर ऑफ

थर्टीन एंड हाफ परसेंट बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर है किसके पी लिमिटेड के चलिए अब डेबिट साइड पर आ जाते हैं क्वेश्चन कहता द कंपनी नंबर ऑफ डिबेंचर फेस वैल्यू थी 100 और हमने खरीदा एक सौ पांच रुपए पर कम इंटरेस्ट बेसिस पर ये लीजिए तो एक मे दो हजार चौदह को टू बैंक परचेज हुआ पांच हजार डिवेंचर आपने खरीदे एक डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है सौ रुपए तो टोटल फेस वैल्यू होगी पांच लाख क्वेश्चन में जैसे लेन पर बढ़े तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन थर्टी सितंबर हमारी डेट है फर्स्ट में लास्ट इंटरेस्ट मिला था वन मार्च को तो बीच में एक महीना है अप्रैल का उसका इंटरेस्ट यहां पर ड्यू है तो सॉरी उसका इंटरेस्ट जो है आपको पे करना होगा जब आपने परचेज किया ये लीजिए जी पांच हजार डिबेंचर सौ रुपए का एक फेस वैल्यू होगी टोटल थर्टीन एंड हाफ परसेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल तो एक महीने का इंटरेस्ट बेटा यहां पर आ गया फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव शुड बी कंफर्टेबल तो ये इंटरेस्ट जाकर हमने यहां पर लिख दिया जब मैंने परचेज किया तो ये इंटरेस्ट मैंने पे किया होगा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू मैंने कितने पे की यानी कि कॉस्ट ऑफ दिस डिबेंचर उसके लिए वर्किंग नोट टू बना लेते हैं क्वेश्चन ने बोला जो ट्रांजेक्शन प्राइस है दैट इज कम इंटरेस्ट पांच हजार डिबेंचर आपने खरीदे एक सौ पांच रुपए का बेटा एक डिबेंचर पांच लाख पच्चीस हजार रुपए का प्राइस हो गया और इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का इसे माइनस कर दिया तो आ गया बेटा फाइव वन नाइन थ्री सेवन फाइव तो दिस इज द एक्स इंटरेस्ट वैल्यू दैट इज द कॉस्ट विच विल बी इनपुट इन द अमाउंट कॉलम फाइव वन नाइन थ्री सेवन फाइव डन उसके बाद क्वेश्चन कहता जी ऑन अगस्त फर्स्ट फोर्टीन द कंपनी अगेन परचेज एक अगस्त को परचेज के याद करें इंटरेस्ट की रेट बीच में तो नहीं आ रही अभी जी नहीं इकतीस मार्च और तीस यानी कि अभी बाद में आएगी पहले हम एक अगस्त वाली एंट्री कर सकते हैं फर्स्ट अगस्त फोर्टीन को क्वेश्चन ने कहा कंपनी अगेन परचेज तो टू बैंक परचेज हो गया बेटा पच्चीस डिबेंचर डिचर पच्चीस सो डिचर यानी कि दो लाख पचास हजार की नॉमिनल वैल्यू एट वन हंड्रेड टू पॉइंट फाइव अगेन ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस एक अगस्त को आपने खरीदा है तो फिर से इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन होगा आपने पे किया ढाई सॉरी पच्चीस सो डिचर सौ रुपए का एक टोटल फेस वैल्यू साढ़े तेरा परसेंट का इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लास्ट इंटरेस्ट जून जुलाई चार महीने का ग्यारह हजार दो सौ पचास रुपए का इंटरेस्ट जो है आपने पे किया एट द टाइम ऑफ दिस परचेज और आपने जो परचेस भी किया क्वेश्चन ने बोला वो कम इंटरेस्ट बेसिस पर है तो हमें एक्स इंटरेस्ट निकालना होगा ट्रांजेक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट पच्चीस सौ डिबेंचर एट द रेट ऑफ हंड्रेड टू पॉइंट फाइव तो टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी आ गया पुत्र इंटरेस्ट माइनस कर देंगे विच वी जस्ट फाउंड इन वर्किंग रोड नंबर थ्री एंड द वैल्यू कम्स एज टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड यानी कि आपने कॉस्ट के प्रति इतने रुपए जो है दिए हैं टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड ये लीजिए इंटरेस्ट में आ गया वन वन टू फाइव जीरो और अमाउंट में आ गया बेटा टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड इसके बाद क्वेश्चन में जो नेक्स्ट डेट है दैट इज ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2014 लेकिन उससे पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पर गए 30th नवंबर 30th सितंबर 14 बाय बैंक इंटरेस्ट इंटरेस्ट की डेट आ गई इंटरेस्ट मिलेगा जी कितने पर हमारे पास कितनी फेस वैल्यू के पड़े हैं 750000 फेस वैल्यू के डिबेंचर हमारे पास पड़े हैं ये लीजिए तो 750000 रुपए की फेस वैल्यू थर्टीन एंड हाफ परसेंट फॉर सिक्स मंथ जी छह महीने का मिलेगा क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट का मिला थर्टी वन मार्च को तो ये छह सौ पच्चीस रुपए होगा फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव गए और यहां पर भर दिया इंटरेस्ट कॉलम में फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इसके बाद कहता फर्स्ट अक्टूबर को कंपनी ने सेल कर दी जी दो हजार डिबेंचर एट वन हंड्रेड थ्री इच तो फर्स्ट अक्टूबर 2014 बाय बैंक सेल टू लाख रुपी के डिबेंचर फेस वैल्यू 2000 हजार डिबेंचर मतलब फेस वैल्यू टू लाख क्योंकि इंटरेस्ट पिछले दिन ही मिले 30 सितंबर को तो इस दिन तो कुछ भी नहीं बनता लेकिन जो वैल्यू है वो जरूर आएगी कितने क्वेश्चन है बोला 103 ये नहीं बताया एक्स इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट एफ तो में हमेशा एक्स इंटरेस्ट नहीं मानते हैं भाई तो ये कैसे आ गया जी 2000 हजार डिवेंचर खरीदे एक सौ रुपए पर तो वन टू लैख सिक्स हो गया नाउ एट द टाइम ऑफ सेल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑल्सो सो वी शेल मेक द वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल सेल वैल्यू तो हमारे पास है दो लाख छ हजार जहां तक बात है कॉस्ट की एफ आई बी एस के केस में नॉर्मली फीफो लगता है लेकिन क्वेश्चन के अंत में लिखा है एवरेज मेथड ना लिखा होता तब भी हम एवरेज लगाते क्योंकि कन्वर्टेबल वाला केस है तो कॉस्ट कितनी है डेबिट साइड पर देखो फाइव वन नाइन थ्री सेवन फाइव प्लस टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड टोटल कॉस्ट है कितने डिवेंचर की पांच हजार प्लस पच्चीस सौ की जो कि हमने खरीदे हैं तो फाइव वन नाइन थ्री सेवन फाइव प्लस टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई टोटल डिबेंचर जितने आपके पास हैं दैट इज 7500 प्रोपोर्शनेट वन की कॉस्ट आ गई वन डिबेंचर की मल्टीप्लाई बाय 2000 कर दिया बेटा तो 2000 की कॉस्ट आ गई 23833 एंड वी गेट द प्रॉफिट ऑन सेल 2167 रुपी वी गेट द प्रॉफिट ऑन सेल 2167 रुपी उम्मीद करते हैं सही होगा बच्चों का ये लीजिए एक अक्टूबर सेल वाले डे पर बुक कर लिया टू पी एन एल प्रॉफिट सेल इन द अमाउंट कॉलम टू थाउजेंड था। वन हंड्रेड पश्चात क्वेश्चन कहता इकतीस दिसंबर दो हजार चौदह को कंपनी रिसीव्ड टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ टेन ईच इन पी कन्वर्जन ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द होल्डिंग तो कन्वर्जन का पॉइंट आ गया किस दिन थर्टी वन दिसंबर 2014 को तो हम कहेंगे बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड क्योंकि हमें इक्विटी शेयर मिल गए लेकिन कन्वर्जन के लिए हम चलते हैं वर्किंग नोट पर ये लीजिए कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर हो रही है सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल फेस वैल्यू कितनी पड़ी है इस दिन 5000 खरीदे थे पहले फिर 2500 खरीदे थे फिर 2000 बेच दिए और एक डिबेंचर सौ रुपए का तो टोटल फेस वैल्यू जो आपके पास पड़ी है दैट इज इसमें से कितनी फेस वैल्यू कन्वर्ट हो गया, बोला, बीस फेस हो गया बेटा साढ़े पांच लाख का ट्वेंटी परसेंट यानी कि वन लैख टेन थाउजेंड एक लाख दस हजार रुपए की वैल्यू कन्वर्टिबल हो गई तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है बिल्कुल सेम मैनर में जैसे कि थोड़ी देर पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड निकाला था हमारे पास फाइव वन नाइन थ्री सेवन फाइव प्लस टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड की कॉस्ट है बिलोंगिंग टू सेवेंटी फाइव हंड्रेड डिबेंचर पांच हजार प्लस पच्चीस सौ। तो यहां से मैं प्रोपोर्शनेट करते हुए कितने की निकाल लूंगा जितने डिबेंचर मैंने कन्वर्ट किए हमने एक लाख दस हजार की फेस वैल्यू को कन्वर्ट किया यानी कि आई कैन से इलेवन हंड्रेड डिबेंचर हमने कन्वर्ट किए तो इलेवन हंड्रेड की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट हमने निकाल ली वन वन टू वन जीरो एट एक लाख बारह हजार एक सौ आठ रुपए पुत्र आना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लाख बारह हजार एक सौ आठ रुपए की कॉस्ट आ गई जिसे जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भर दिया एक लाख दस हजार फेस वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू में और वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड एट इन दी अमाउंट कॉलम की इतनी कॉस्ट का डिबेंचर हमने कन्वर्ट कर दिया और इतनी कॉस्ट से अब आपको इक्विटी शेयर मिल गए एज पर सेबी गाइडलाइन इनका जो इंटरेस्ट है वो भी दे दो तो हम इन्वेस्टर हैं हमें मिलेगा 31 दिसंबर 2014 को ही हम कहेंगे बाय हाफ परसेंट कितने महीने का लास्ट इंटरेस्ट मिला था तीस सेप्टंबर उसके बाद तो अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर तीन महीने का भाई तो तीन बटे बारह थ्री सेवन वन थ्री थ्री सेवन One, का इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी भी मिल गया ये लीजिए बाय बैंक हुआ सारी डन हो गई हम डाउन पर आ गए 31 दिसंबर 2014 को हमें बाय बैलेंस डाउन करना है तो हमने सबसे पहले कॉलम नंबर वन फेस वैल्यू का टोटल कर लिया टोटल यहां लिखा और यह बैलेंसिंग फिगर आ गई चार लाख चालीस हजार रुपए यानी कि इतने रुपए की फेस वैल्यू जो है हमारे पास एट द एंड पड़ी है चार लाख चालीस हजार की क्योंकि लास्ट तो so के लिए सितंबर तक मिला था तो अगले तीन महीने का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इंटरेस्ट आ गया चौदह हजार आठ सौ पचास रुपए कैलकुलेट करके कैरिट डाउन में हमने लिख दिया फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी ये लीजिए फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी जैसे लिखा हमारा इंटरेस्ट वाला कॉलम जो अब खत्म हो सकता है इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं तो इंटरेस्ट का टोटल किया क्रेडिट साइड पर सिक्सटी नाइन थाउजेंड वन एट्टी एट डेबिट साइड पर गए और बैलेंसिंग फिगर निकाल दी फिफ्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टीन और ये इंटरेस्ट आपका नेट इनकम है जो कि हमने भेज दिया कहां पर पी एंडल अकाउंट के अंदर भेज दिया पी एंडल अकाउंट के अंदर तो टू पी एंड एल इंटरेस्ट ट्रांसफर फिफ्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टीन जी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लास्ट कॉलम पर है अमाउंट कॉलम डेबिट साइड का टोटल किया 766, और क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकाल ली क्वेश्चन में आपको ये बताया कि एट द क्लोज ऑफ द ईयर द हैड अ मार्केट वैल्यू वन हंड्रेड सिक्स तो हमें कंपैरिजन करना है कॉस्ट का मार्केट प्राइस के साथ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जो बैलेंसिंग फिगर आई इन्वेस्टमेंट अकाउंट की फोर लैक फोर्टी एट थाउजेंड फोर थर्टी फोर और मार्केट वैल्यू निकाली फोर्टी फोर हंड्रेड डिबेंचर शेष हैं आपके पास डाउन में और एक सौ छह रुपए पर डिबेंचर है तो फोर लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड तो दोनों में से लोअर क्या है भाई दोनों में से लोअर क्या है भाई कॉस्ट ही लोअर है तो यही वैल्यू एज इट इज हमारी डाउन में आ जाएगी और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा कोई एडजस्टमेंट मतलब इस पॉइंट के कारण नहीं होगी फोर लैक फोर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी फोर की वैल्यू ही आ गई ये तो डिबेंचर वाला अकाउंट कंप्लीट हो गया लेकिन हमें याद रखना है इसमें से कुछ डिबेंचर कन्वर्ट भी हुए थे किसमें इक्विटी में तो उसका अकाउंट भी अपने को बनाना है। ये लीजिए बुक्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड तो वहां पर डिबेंचर अकाउंट में लिखा था बाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन इन इक्विटी शेयर में क्या बोलेंगे टू एंड हाफ परसेंट डिबेंचर तो इकतीस दिसंबर चौदह जिस दिन कन्वर्जन हुई थी टू इन्वेस्टमेंट इन थर्टीन एंड हाफ परसेंट डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन खुद बताएगा आपको लिखा था क्वेश्चन है कंपनी रिसीव्ड इक्विटी शेयर ऑफ इन पी लिमिटेड कन्वर्जन करने पर अपने को मिले थे दस हजार शेयर लेकिन कॉस्ट इसके सामने वही आएगी जो कि हमने डिबेंचर की कॉस्ट निकाली थी सेम अमाउंट से यहां पर आएगा जितना आया एज इट इज डाउन हो जाता है तो हमने टोटल किया टेन थाउजेंड वन वन टू वन जीरो दस हजार नंबर ऑफ शेयर आगे दस हजार लेकिन क्वेश्चन ने मार्केट प्राइस दिया है तो क्लोजिंग वैल्यू के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा

तो यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नाइन थाउजेंड और बैलेंसिंग फिगर जो यहां पर आ रही है तो यहां पर भी निकाल कर दिखाया कि लॉस ऑन वैल्यूएशन कितना है कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस बाईस हजार एक सौ आठ रुपए का सो दिस टू बी बुक्ड इसमें कुछ गलती है करेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं लीजिए चलिए जी तो इस चैप्टर का अंत हुआ अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जब भी आता है बड़ी खुशी होती है टीचर को भी स्टूडेंट्स को ज्यादा होती है टीचर को खुशी इसलिए होती है कि चलो हमने एक पड़ाव और पार कर लिया बच्चों को लगता है चलो यार धीरे-धीरे सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा और नया चैप्टर एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है कि ये तो मैं अच्छे से समझूंगा तो चलिए इसी चैप्टर की बात हम करने वाले नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हायर परचेज हायर परचेज हायर परचेज जब मैं सीए करना स्टार्ट किया तो एक मूवी आई थी जी वीर जारा सही पहचाना जिन बच्चों ने पहचाना वीर जारा उस मूवी का एक बिल्कुल जो मेन डायलॉग था वो क्या था जब भी थिएटर में उसका प्रोमो एक्सेट्रा चलता था ट्रेलर दिखाते थे तो एक चीज जरूर बोलते थे वीर और जारा का नाम एक साथ कभी नहीं लिया जा सकता तो वही इस चैप्टर की नींव है हायर परचेज मान लो कोई चीज है लेट से चीज है अब या तो ये चीज मेरी है या मैंने किराए पर ली है क्या दोनों चीजें हो सकती है मैं ये भी कह रहा हूं मैंने किराए पर ली है पर ये चीज मेरी है क्या बात हुई नहीं कह सकते तो हायर और परचेज का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता हायर मतलब क्या होता है किराए पर लेना हायर मतलब क्या किराया देना परचेज मतलब खरीद लेना तो यार हायर और परचेज तो तो अलग अलग चीजें ये साथ कैसे आ गई उस चीज को हम समझने वाले इस चैप्टर के अंदर कि भाई ये क्या स्पेशल ट्रांजेक्शन है क्योंकि नाम से पता चल गया कि ये तो स्पेशल ट्रांजेक्शन है जनरली ऐसा नहीं होता अगर मैं दुकान पर गया मैं पार्टी को बोलूंगा कि यार मेरे को ये चीज चाहिए तो मैं पैसे दूंगा उस चीज को खरीद लाऊंगा वो चीज़ मेरी हो गई मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने किराए पर ली है वो चीज़ मेरी है या फिर हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं है पुराने जमाने में वीसीआर का कॉन्सेप्ट होता था जी वीडियो होती थी अपने मम्मी एक सेक्टर से पूछना आपको पता चलेगा शादी एक सेक्टर होती थी जब पेरेंट्स के जमाने में पेरेंट्स के जमाने में भी नहीं ईयर 2000 के आसपास भी जो शादियां होती थी वहां पे सीडी नहीं बनती थी वीडियो कैसेट बनती थी जी और वीडियो कैसेट को देखने के लिए वीसीआर होता था तो हमने भी सनी देओल की एक मूवी आई थी इंडियन हम भी बच्चे थे उस वक्त तो हम भी वीसीआर किराए पर लेकर आए थे और वीडियो कैसेट डालकर देखा था तो उसका किराया होता था वीसीआर भी मिलता था और वो कैसेट भी मिलती थी जिसको डालकर आप चला लेते तो, तो मैं किराए पर लेकर आया मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने खरीद लिया अब वो क्या हायर पर है फॉर विच आई एम पेइंग द हायर चार्जेस तो दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग होती है जनरली या तो ये परचेज की ट्रांजेक्शन होगी या हायर की ट्रांजेक्शन होगी लेकिन दोनों को एक साथ यूज किया जा रहा है मतलब इट्स अ स्पेशल ट्रांजेक्शन तो समझते हैं चैप्टर किस बारे में है क्या स्पेशल ट्रांजेक्शन है मतलब क्या मतलब इस ट्रांजेक्शन का और उसके बाद इसमें अकाउंटेंसी एस्पेक्ट जो है देखेंगे ओके सो लेट से लेट से क्या हम ये जानते हैं कि भाई आज की डे में आज के युग में आज के इरा में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने पर बहुत ध्यान है और जब भी किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है तो हम कहते हैं कंट्री डेवलपमेंट के पाथ पर 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 है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना का मतलब जहां पर लोग कंजम्पशन बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं दस पंद्रह साल पहले जाए तो कंजम्पशन पर लोग पैसा खर्च नहीं करते थे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बाहर रेस्टोरेंट एक्सेट्रा में खाना खाने जाना या फिर घर पर ऑर्डर करवाना याद कीजिए दस पंद्रह साल पहले

के ऊपर हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च करें। मतलब आपको याद ना हो आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग से एक्सेट्रा पूछ सकते हैं पंद्रह बीस साल पहले घर में टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी जिसके घर में टीवी होता था स्टिल मेरे घर पे टीवी तो था इलेवंथ या ट्वेल्थ की बात है लेकिन केबल टीवी नहीं था तो उस समय नया नया केबीसी स्टार्ट हुआ था तो गली में लास्ट घर होता था जी मतलब आठ दस घर छोड़कर एक आंटी रहते थे उन्हें पता था कि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं अच्छे बच्चे हैं तो घर पे आके कह के गए कि यार केबीसी ना बड़ा अच्छा शो है तो आप भी आओ एक घंटे के लिए और देखा करो शो को जिस जिस डे पे आता है तो हम उस आंटी के घर जाते थे समझ रहे हैं आप टीवी तो था बट केबल टीवी नहीं था केबल टीवी नहीं था लेकिन आज की डेट में क्या कोई घर आपको ऐसा मिलेगा जहां पर टीवी ना हो या फिर टीवी हो केबल टीवी ना हो जी नहीं केबल छोड़ो यार आजकल तो इतना टाटा स्काई एयरटेल और नेटफ्लिक्स एमेजॉन प्राइम वॉट पता नहीं क्या क्या आ गया एंड पीपल एक्चुअली टेक द सब्सक्रिप्शन बाई पेंग अमाउंट मतलब हम कंजम्पशन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लेट्स वॉशिंग मशीन हो गई कुछ साल पहले तक बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ कुछ साल पहले तक घर में वॉशिंग मशीन ना होना कोई बड़ी बात नहीं थी मतलब घर घर में जो लेडीज लोग होते थे वही अपने हाथ से कपड़ों को धो देते थे लेकिन अब वॉशिंग मशीन एक नीड बन चुकी है लग्जरी की जगह मतलब होनी ही चाहिए तो प्री सपोज करते हैं मतलब कंजम्पशन पर पैसा खर्च कर रहे हैं सवाल ये उठा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने का मन कर गया कंजम्पन करने का मन कर गया लेकिन क्या इतना पैसा है आपके पास साफ क्या इतना पैसा है वॉशिंग मशीन देखने गए पसंद आ गई बारह हजार रुपये की है सैलरीड इंसान जिसकी कम सैलरी है मान लो पच्चीस तीस हजार रुपये सैलरी है वो कहां से एकदम से बारह हजार दे दे महीने भर का बजट बिगड़ जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट आया मान लीजिए मैं वॉशिंग मशीन खरीदने गया बारह हजार रुपये की वॉशिंग मशीन है पसंद तो मुझे आ गई बीवी भी साथ है मैंने कहा बीवी के वॉशिंग मशीन चाहिए क्योंकि ये चीज तो को ज्यादा चाहिए मर्द लोग है कह सकते है? नहीं नहीं हाथ से धो लो कपड़े बेचारे हाथ तो नहीं का दुखेगा तो वो कहते हुआ कि परेशान लग रहे हो मैंने कहा वॉशिंग मशीन तो लेनी है लेकिन बजट बिगड़ जाएगा और श्रीमती जी को ये चाहिए तो क्या करें वो कहता आप ऐसा करो दो हजार रुपये दे सकते हो मैंने कहा यार दो हजार तो मैं दे सकता हूं कहता आप दो हजार रुपए दे दो वॉशिंग मशीन ले जाओ मैंने कहा क्या बात है आई ला दो हजार रुपये दो हजार रुपए तो वॉशिंग मशीन ले जाओ जो बाकी के पैसे हैं हम आपसे धीरे धीरे हर महीने इंस्टॉलमेंट के तौर पर ले लेंगे मैंने कह ये तो बात बड़ी सही हो गई अब दो हजार रुपये देने के बाद पहले बोल रहा हूं फिर लिखकर भी आराम से समझाऊंगा एग्जांपल कितने रुपए बचे दस हजार तो मैंने हिसाब लगाया कि हर महीने का एक एक हजार बनता है लेकिन वो नहीं हर महीने का एक एक हजार नहीं हम आपसे एक हजार से ज्यादा लेंगे, लेट से लेंगे दस महीने के लिए तो बारह सौ गुना दस हो गया जी बारह हजार रूपए मैंने दो हजार स्टार्टिंग में दी और फिर दी ए, के तौर पर दस इंस्टॉलमेंट बारह बारह सौ रुपए की दी तो टोटल कितना हो गया मैंने चौदह हजार दिया उस चीज के लिए जो कि बारह हजार की चीज थी लेकिन इट इज अ विन सिचुएशन फॉर द पार्टी मेरे पास वॉशिंग मशीन आ गई इजी तरीके से जो कि मैं एक बार में पैसा खर्च करके नहीं ले सकता था क्योंकि पार्टी ने जिस पार्टी ने बेचा उसने इंस्टॉलमेंट लगा दी कि किश्तें बांध दी थोड़ी थोड़ी करके किश्तें आप दे देना दूसरी पार्टी का फायदा क्या वो उसकी चीज बिक गई अगर वो इसी चीज पर अड़ा रहता नहीं नहीं बारह हजार एक ही बार में दो तो यार कैसे ले लेते ले कैसे ले लेते बहुत मुश्किल होता है तो छोटा एग्जाम्पल एक बड़ी एग्जाम्पल पे आऊंगा फिर समझ में आएगी आपको डिटेल में एंड दूसरी पार्टी को अगर आज ही मैं पूरे बारह हजार दे देता तो पार्टी वुड हैव इन्वेस्टेड द फंड्स एल्सवेयर और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कमा सकते थे लेकिन क्योंकि मैंने अभी पूरा पैसा दिया ही नहीं तो उनका भी तो लॉस हो रहा है इंटरेस्ट का दैट्स वाई द पार्टी इज चार्जिंग एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम मी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अगर आज की आज पैसे दे देता तो बारह रुपए की चीज मिलती लेकिन क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट्स बंधवा ली तो मुझे चौदह हजार रुपए की चीज पड़ी यानी कि मेरी पॉकेट से दो हजार रुपए एक्स्ट्रा गए तो ये दो हजार इंटरेस्ट के नाम से हम इस चैप्टर में आगे चलकर जो जानेंगे फॉर ईज वी विल यूज द टर्म इंटरेस्ट और हमारा इंस्टीट्यूट भी यही टर्म यूज करता है मतलब यही टर्म इसमें यूज होती है ठीक है ना इंटरेस्ट टेक्निकली इसका नेम है हायर चार्जेस सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ईजी हो गया लोगों के लिए इंप्रूव करना क्योंकि अब किसी भी चीज को अगर आपने बाय करना है जो कंज्यूमर के हित की चीज है तो आपको जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट की, की चीज है तो आपको पूरा पैसा देने की आवश्यकता नहीं है चार्टेड अकाउंटेंट बन गए मान लीजिए आजकल चलो छोड़ो आजकल आप सड़क पर जैसे निकलते हैं आप देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लहरा रही है कोई बी जा रही मर्सिडीज जा रही है पोर्स जा रही है और किस मदद से तो कोई लंबोरगनी टाइप भी दिख गई आपको क्या लगता है वो एक ही बार में झट से पैसा देकर आ गई नहीं यार वहां भी डाउन पेमेंट करने के बाद धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया जाता है एक बार में अगर एक एक करोड़ रुपए की गाड़ी उठानी पड़गी भाई किसी इंसान के पास मतलब होंगे ऐसे लोग लेकिन मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जिनके पास ये गाड़ी हैं कि आप एक बार में पेमेंट सारी नहीं कर सकते तो इसीलिए ये सिस्टम आया हायर परचेज अब देखो बात कितनी सही हो गई अब मेरा एग्जाम्पल बता दिया मैंने नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म की हायर और परचेज को हम एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं हायर का मतलब क्या किराए पर लेना मतलब हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देते रहना रेगुलरली पैसा देते रहना एंड परचेज का मतलब क्या कि चीज आपकी हो जाना तो मेरे वॉशिंग वॉशिंग मशीन मशीन वाले एग्जांपल में उठाकर ले आए अब हमारे घर के कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में धुलते हैं कैसे धो रहे हैं क्योंकि हमारी चीज है भाई तो हम उसको यूज कर रहे हैं जैसे एक परचेजर यूज करता है लेकिन जैसे एक पर्सन किराए पर लेकर उसका किराया भरता है उसी तरह से हम उसका किराया भी भर रहे हैं तो इसीलिए इस स्पेशल ट्रांजेक्शन का नाम पड़ा हायर परचेज की चीज आप यूज करने लगे जस्ट लाइक परचेजर और साथ में आप किराया भी उसका दे रहे हैं अगर कभी भी किसी ट्रांजेक्शन में मुझे जानना हो कि कौन पर्सन ओनर है तो हम सिंपल देखते हैं कि जो पर्सन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है वो ओनर है जो पर्सन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है वो ओनर है सो इन द केस ऑफ हायर परचेज व्हेन आई गॉट द वॉशिंग मशीन तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हम ही करेंगे इज अगेन सिग्निफाइंग दैट यस जो जो चीज है जो परचेजर है परचेजर वो मैं हूं ना कि वो पार्टी जिसने सेल किया मतलब इस चीज के ऊपर इस एसेट के ऊपर जो मैं ले आया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी मैं क्लेम कर सकता हूं मीन आई एम इंजॉइंग ऑल द प्रिविलेज विच आर अवेलेबल टू ओनर तो ये है हमारा चैप्टर हायर परचेज हमें इस चैप्टर के अंतर्गत बुक्स सीखनी है हायर परचेजर की बनानी और हायर वेंडर की जो पार्टी सामान लेकर आई है वॉशिंग मशीन में लेकर आए तो मेरा नाम क्या है हायर परचेजर अगर मैंने इमीजिएटली खरीद लिया होता बारह हजार तो मेरा नाम क्या होता परचेजर और जिसने बेचा उसका नाम क्या होता सेलर या वेंडर लेकिन हमने पूरे पैसे दिए ही नहीं अभी तो मेरा नाम क्या है हायर परचेजर जिसने बेचा उसका नाम है हायर वेंडर समझ रहे हैं तो हमें बुक्स सीखनी है हायर परचेजर की क्या एंट्री करोगे आप और हायर वेंडर की बुक्स सीखनी है कि वो किस तरह से एंट्रीज करेगा और लेजर अकाउंट कौन से मेंटेन करेगा तो ये पूरा चैप्टर हमने सीखना है अभी बहुत बेसिक बताया मैंने धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हालांकि आज से जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे और अगले एक लेक्चर तक तो, तो कम से कम ये चलेगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट वो एक मेन चीज है चैप्टर की जिस पर सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हम आज से स्टार्ट करेंगे लेकिन पहले चैप्टर का बेसिक अभी बोलकर बताया अभी हम उसको लिखित में आराम से जैसे हर चैप्टर में करते हैं सारी चीजें लिखकर बातचीत करेंगे आरंभ आइएगा इस आइए लेटस हैव फ्यू सेकंड ये लीजिए जी तो हम नामकरण करते हैं इस चैप्टर का चैप्टर का पूरा नाम अगर कहें तो हमारे मॉड्यूल के हिसाब से है लिख देते हैं पूरा नाम लिख देते हैं अच्छा लगता है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से पूरा नाम ये बनता है तो हमने लिख दिया सर इंस्टॉलमेंट सेल क्या होता है बेटा छोड़ दो अभी भूल जाओ ये समझो पूरा चैप्टर जो है वो हायर परचेज है तो हमें सिर्फ उसी की बात करनी है अभी हमें सिर्फ उसी की बात करनी है कॉन्सेप्ट वन बेसिक्स ऑफ हायर परचेज तो जितनी चीजें मैंने बोली हैं, वो सब हम आराम से लिखेंगे सो so दैट हमारे लिए इजी और रिटेन करना बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं अगर मैं नहीं लिखवाऊंगा तो कुछ समय के बाद माइंड से निकल जाएंगे जो कि हम नहीं चाहते हम यही चाहते हैं कि आपके दिमाग में चीजें सुपुर्द रहे बिल्कुल ओके okay. कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखने की जरूरत है मैं सिर्फ समझा रहा हूं जब लिखना होगा तो मैं बता दूंगा लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं आई कैन नॉट स्टॉप यू आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे तो हम कह रहे हैं भाई एक वर्ड होता है हायर और एक वर्ड होता है परचेज हायर का मतलब किराए पर लेना किसी चीज को किराए पर लेना परचेज का मतलब किसी चीज को खरीद लेना किसी चीज को खरीद लेना मीन्स प्राइमा फेसी बोथ द ट्रांजेक्शन डिफरेंट प्राइमा फेसी बोथ द ट्रांजेक्शन आर डिफरेंट एंड सेपरेट प्राइमा फेसी बोथ द ट्रांजेक्शन आर डिफरेंट एंड सेपरेट क्योंकि इस वाले केस में आप क्या करते हैं किराए पर लेने वाले केस में यहां पर आप पे करते हैं रेंट जबकि परचेज के केस में आप रेंट पे नहीं करते वो चीज ही आपकी हो गई तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हैं लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई देर इज स्पेशल ट्रांजेक्शन ऑफ हायर परचेज अकॉर्डिंग टू विच देर इज अल ट्रांजेक्शन ऑफ हायर परचेज अकॉर्डिंग टू विच हम कह रहे हैं कि आप हायर भी कर रहे हैं और आप उसको परचेज की तरह ट्रीट भी कर रहे हैं मतलब जो प्रिविलेजेस एक ओनर के पास होते वो सब आप इंजॉय कर रहे हैं तो हायर प्लस परचेज की ट्रांजेक्शन है हायर प्लस परचेज एक एग्जांपल छोटा सा मैं बनाकर दिखाता हूं जिस तरह से मैंने बोला था जो एग्जाम्पल बिल्कुल उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं सो लेट से देर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज यहां पर लिख देते हैं जी एग्जाम्पल सो देअर इज वन मिस्टर गोलू एंड मिस्टर भोलू तो गोलू नया नया सीए बना है गोलू नया नया सीए बना है कहता अब तुम्हें चार्टेड अकाउंटेंट बन गया दुनिया मेरे कदमों में मैं दुनिया को जीत लूंगा क्या बात है तो गोलू गया यहां मिस्टर भोलू के पास मिस्टर भोलू क्या करता है जी कार का बिजनेस है डीलर है डीलर है जी कार्स होती हैं इसके पास तो गोलू कहता है यार मेरे को गाड़ी लेनी है दस लाख रुपए की गाड़ी तो गोलू बोलू के पास जाता है जी इसको अप्रोच करता है कार की वैल्यू है दस लाख रुपए लेकिन गोलू के पास है सिर्फ दो लाख रुपए गोलू के पास है सिर्फ दो लाख रुपए तो अब गोलू ये कार लेना चाहता है लेट्स तो बोलू ने एक डील दी कि तुम क्या करो दो लाख रुपए तो इमिजिएटली पे कर दो सुनते रहना आराम से सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है दो लाख रुपए तो इमिजिएटली पे कर दो और जो बाकी रह गया फॉर बैलेंस पे इन इंस्टॉलमेंट फॉर बैलेंस पे इन इंस्टॉलमेंट कितना बैलेंस रह गया दैट इज एट लैख रुपी एट लैख रुपी नाउ जो दो लाख रुपए आप इमिजिएटली पे कर रहे हो इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डाउन पेमेंट इस चैप्टर में जो टर्म यूज होगी दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट जितना आपने आउटराइटली पे कर दिया एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ जो ये दस लाख रुपए है जो ये दस लाख रुपए है इसको बोलते हैं कैश प्राइस कैश प्राइस का मतलब कि अगर आज की रेट में मैं इमीडिएट पैसा दूं तो कितने रुपए की चीज मिलेगी मुझे 10 लाख की लेकिन आपने दस लाख में से दो लाख रुपए अभी दे दिए वो डाउन पेमेंट हो गई और जो बाकी रह गया आठ लाख उसके लिए आप इंस्टॉलमेंट बनवा रहे हो लेट से फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्वेंटी इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपी फिफ्टी फाइव थाउजेंड ईच बीस इंस्टॉलमेंट बनी पचपन हजार रुपए की एक यानी कि टोटल कितना हो गया पचपन हजार रुपए की बीस इंस्टॉलमेंट यानी कि आप दे रहे हो ग्यारह लाख रुपए आप दे रहे हो इलेवन लाख रुपए भाई अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं आपने आठ लाख रुपए बैलेंस जो है वो सिर्फ वो देना था लेकिन उसके बदले पार्टी इलेवन लाख ,00 ले रही है रीजन रीजन इज द इंटरेस्ट जो डिफरेंस है इट इज ड्यू टू इंटरेस्ट क्योंकि अगर आप उस डीलर को आज ही पूरे पैसे दे देते वो डीलर कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करके इजिली उसके ऊपर कुछ मनी इंटरेस्ट के तौर पर अर्न कर लेता लेकिन क्योंकि आपने पूरे पैसे नहीं दिए तो ऑब्वियसली क्योंकि आप समय के बाद दे रहे हो करंट पीरियड के बाद दे रहे हो पैसा तो ही विल चार्ज सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट राइट जो पैसा अभी दे दिया हमने क्या बोला उसका नाम कैश उसका नाम डाउन पेमेंट अगर पूरा पैसा आज की डेट में दे देता दे वो होता कैश प्राइस और हम अलग से जो पैसा बाद में देंगे उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या इंक्लूड है इंटरेस्ट देखा जाए तो मैंने टोटल पैसा इस ट्रांजेक्शन में कितना दिया टोटल अमाउंट टोटल पेमेंट इन दिस ट्रांजेक्शन दो चीजें दी मैंने वन इज डाउन पेमेंट कितने रुपए की टू लाख रुपयी और उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट के माध्यम से कितना रुपया दिया इलेवन लाख रुप मीन्स हमारी पॉकेट से टोटल कितने रुपए गए थर्टीन लाख रुपयी जो ये थर्टीन लाख रुपये है इसे इस चैप्टर की टर्म्स में बोलते हैं हायर परचेज प्राइस इसे टेक्निकली बोला जाता है हायर परचेज प्राइस तो क्या क्या टर्म्स हमने सीखी क्या क्या टर्म्स हमने अरे, अरे 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 सीखी हमने सीखा हायर परचेज प्राइस हमने सीखा डाउन पेमेंट हमने सीखा कैश प्राइस हमने सीखा इंस्टॉलमेंट सो दीज आर टेक्निकल टर्म्स। आराम से देख लीजिए जो हायर परचेज प्राइस है जो हायर परचेज प्राइस है ये कैसे बना इट इज सिंपली कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अगर आप देखें हमारा कैश प्राइस कितना था इस ट्रांजैक्शन में ये रहा बेटा दस लाख रुपए का कैश प्राइस था लेकिन मैंने यहां देखा तो आठ लाख रुपए की बजाय हमने पे किए इलेवन लाख मतलब तीन लाख रुपए का इंटरेस्ट सो अगर मैं कैश प्राइस में इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो हमारे पास जो वर्ड आता है जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस ये इस चैप्टर का बेस है ठीक है ना जितने भी क्वेश्चन करेंगे ऐसी चीज हमें मिलती ही रहेगी लेकिन हाँ इस ट्रांजेक्शन को समझना है और क्योंकि फिर से आपको याद दिला तो हायर परचेज क्यों नाम पड़ा क्योंकि गोलू जब भोलू से चीज खरीद कर लाया गोलू के पास कार आ गई अब गोलू अपनी कार में रोज ऑफिस जाता है चार्टेड अकाउंटेंट है भाई कार चला रहा है बढ़िया वाली दस लाख रुपए कार ली है छोटी कार नहीं ली बड़े वाली कार ली जो दिखने में बड़ी होती है ठीक है ना तो गोलू कार चला रहे हैं गोलू उस कार के ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे है मतलब गोलू ओनर वाले सारे काम जो है कर रहे इंजॉय कर रहे है लेकिन साथ ही साथ ये ना भूले गोलू की अभी ये चीज पूरी तरह से उसकी नहीं है उसको इंस्टॉलमेंट पे करते रहनी होगी तो हायर वाला पॉइंट भी इसके अंदर आ गया आई होप द ट्रांजेक्शन इज क्लियर कि किस तरह से ये वाली चीज एटलीस्ट नोट कर लेंगे एग्जाम्पल हम चाहे नोट नहीं करेंगे इसे आप नोट कर लें चलिए बेटा लिखते हैं आगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट हायर परचेज एग्रीमेंट डिफाइन कर लेते इजी शब्दों में इट इज एन एग्रीमेंट Under which it is an agreement or a by it is an agreement under which the higher purchaser gets the under which the higher purchaser gets the possession of the goods. immediately and and keeps paying for it and keeps paying for it in the installments over a period of time टली एंड की पीरियड टाइम तो आज ही मतलब यूज करना चालू कर दो लेकिन पेमेंट अभी बाकी है करते रहना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं जो अब तक नहीं बताया क्योंकि अब तक नीड नहीं थी अभी हमें बेसिक समझ आ गया तो आगे भी सीख सकते हैं मान लो गोलू ने बीस इंस्टॉलमेंट थी पचपन हजार रुपए की ने अगर डिफॉल्ट कर दिया किसी इंस्टॉलमेंट में तो क्या होगा अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करते हो तो जो हायर वेंडर था मिस्टर भोलू ही अ राइट ही कैन कम एंड टेक बैक द पोजेशन ऑफ गुड्स जिसको बोलते हैं रीपोजेशन। अगर हायर परचेजर ने किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो हायर वेंडर के पास राइट है कि आकर अपनी चीज को उठाकर लेकर जा सकता है सर सर ये क्या बात हुई सर ओनर तो हमें सर ऐसे कैसे लेगा बेटा ध्यान से सुनेंगे ओनर वाले राइट हम इंजॉय कर रहे हैं डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर रहे हैं लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी मतलब 20 इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं करते तब तक ओनर का टैग आपको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है ना और इसके एक प्रैक्टिकल बता देते हैं जो आप खुद से चेक कर सकते हैं घर में आपने कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर एक्सेट्रा लिया हो और अगर उस पर लोन ले आओ तो जो आरसी होती है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आरसी जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करते हैं कि आपके पास आपकी ही वो कार है आपका ही वो वहीकल है तो उस आरसी के बैक पर देखोगे तो वहां पर ओनर के नाम में क्या लिखा होगा जिससे आपने लोन लिया है जब वो लोन क्लियर हो जाता है तब जाकर आपको सरकारी ऑफिस में फाइल जमा करनी पड़ती है जहां पर आपको प्रूफ देना होता है कि भाई अब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी तो आपकी दोबारा से नई वाली आर बनकर आती है जिस पर आपका नाम अब एज एन ओनर दिखाया जाता है मतलब टिल द टाइम यू हैव नॉट पेड द इंस्टॉलमेंट तब तक आप लीगली ओनर नहीं है उस चीज के तो वही हम यहां पर लिख रहे हैं आइए कंटिन्यू करते हुए द ओनरशिप ऑफ द गुड्स remain with the ownership of goods remain with the higher vendor the ownership of the goods remain with the hire vendor till that time till that time the higher purchaser has paid all the installments Till the time the higher purchaser has paid all the installments, a class his liquidity thing in case in case higher purchaser fails to pay any installment in case higher purchaser fails to pay any installment the higher vendor the higher vendor has the right to take back the possession of goods higher vendor has the right to take back the ऑफ गुड्स इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हम चैप्टर में आगे जाकर पढ़ेंगे जहां पर रिपोजेशन की बातें भी की जाएंगी जहां पर रिपोजेशन की बातें भी की जाएंगी ठीक हो गई बात आगे बढ़ते हैं टर्म्स यूज इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन टर्म्स यूज इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है पहला जहां पर हम बेसिक्स समझ रहे हैं तो जो टर्म्स हमने यूज करी हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन जरूर कर देंगे सबसे पहले हायर परचेजर फर्स्ट ऑफ ऑल हायर परचेजर लिखेंगे जी कौन है ये शख्स और ठीक है हायर परचेजर लिखेंगे जी द पर्सन ऑबटेन्स द गुड्स फ्रॉम हायर वेंडर लिखते रहेंगे जी थोड़ा तेजी से द पर्सन हु ऑबटेन द गुड्स फ्रॉम हायर वेंडर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट द पर्सन हु ऑबटेन्स द गुड्स फ्रॉम हायर वेंडर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट And agrees to pay installments over the period. And agrees to pay installments over the period. he was a hire purchaser the person who obtains the goods from hire vendor under the hire purchase agreement and agrees to pay installments over the period agla shakhs hire vendor hire vendor the person who delivers the goods To the person who delivers the goods to higher purchaser Under the higher purchase agreement and has the right to and has the right to repossess the goods has the right to repossess the goods in the event of default in the event of default to bhai hire purchase agreement de antargat je hire purchaser ne kisi bhi installment den vich nakami kiti nahi ditti ta hire vendor de kol right aega oh aega te apni chiz ji लेके चला जाएगा मतलब मान लो आपने वॉशिंग मशीन ली इंस्टॉलमेंट नहीं के तो आएंगे और वॉशिंग मशीन उठाकर ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे तेरी वॉशिंग मशीन को ले जाएंगे आगे आइए नेक्स्ट आ रहा है कैश प्राइस याद रहे कैश प्राइस क्या था कि अगर आज ही मैं इमीजिएट सारी पेमेंट कर दूं तो ये चीज मुझे कितने की मिलेगी वो होता है कैश प्राइस द अमाउंट ऑफ गुड्स द अमाउंट ऑफ गुड्स विच इज टू बी पेड बाय द बायर अमाउंट ऑफ गुड्स व्हिच इज टू बी पेड बाय द बायर फॉर आउट राइट परचेज इन कैश फॉर आउट राइट परचेज इन कैश मतलब आउट राइट मतलब इमिजिएट परचेज अगर एक ही बार में एक झटके में खरीदना हो कि भाई जो पैसे आज ही ले लो इंस्टॉलमेंट वगैरह का चक्कर मत बांध हो तो कितने रुपए की मिलेगी उसको बोलते हैं कैश प्राइस क्या लिखा मैंने आउट राइट लिखा है जिसको दोबारा लिख दें आउटराइट राइट परचेजिंग कैश नेक्स्ट आ गया जी डाउन पेमेंट नेक्स्ट आ रहा है डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट का मतलब क्या था हमने कहा था जब आप चीज लेने गए आपके पास जो छोटा मोटा अमाउंट है जो कि आप दे सकते हैं फिलहाल वो डाउन पेमेंट है ठीक है ना इट इज दी Initial payment. It is the initial payment made by higher purchaser to the higher vendor. It is the initial payment made by higher purchaser to the higher vendor at the time of एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू हायर परचेज एग्रीमेंट जब एग्रीमेंट एंटर हो रहा है तो जो आप इनिशियल पेमेंट करेंगे क्यों करेंगे टू ऑबटेन पोजेशन ऑफ गुड्स कि भाई इतने पैसे दे दो और ये चीज को ले जाओ डाउन पेमेंट में क्या लिखा इट इज द इनिशियल पेमेंट मेड बाय हायर परचेजर टू दी हायर वेंडर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू हायर परचेज एग्रीमेंट टू ऑबटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स ये भी हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ रहा है बेटा इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट it is the amount which it is the amount which the higher purchaser has to pay at regular intervals which the higher purchaser has to pay at regular intervals टू दायर वेंडर हैज टू पे एट रेगुलर इंटरवल्स टू दायर वेंडर टिल द टाइम स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट टिल द टाइम स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट मतलब डिपेंड करते इंस्टॉलमेंट कितनी है दस है बीस है तीस हैं चालीस है पचास है साठ है कितने साल का है कितने साल तक चलेगा उस हिसाब से स्टॉप लिखेंगे इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर एक इंटरेस्ट नाम की चीज भी इंक्लूड होती है प्रिंसिपल का मतलब कैश प्राइस का जो बैलेंस पोर्शन है वो प्रिंसिपल के तौर पर जाएगा और एक्स्ट्रा आपको क्या देना है इंटरेस्ट के तौर पर पैसा देना है ओनरशिप ओनरशिप ट्रांसफर्स टू हायर परचेजर ओनरशिप ट्रांसफर्स टू हायर परचेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ओनरशिप ट्रांसफर टू द हायर परचेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट यह भी बात समझ में आ गई लास्ट टर्म लिख रहे हैं जी हायर परचेज प्राइस Higher purchase price. It is the total amount payable by it is the total amount payable by higher purchaser to the to the to the to the to the to the, to the, to the Higher vendor, it is the total amount payable by higher purchaser to the higher vendor under the transaction of higher purchase. Under the transaction of higher purchase, higher. परचेज प्राइस इज इक्वल टू दो तरीके से हम इसे लिख सकते हैं पहला तरीका जो आपका कैश प्राइस था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो मैंने जो बोलू डोलू गोलू डोलू नहीं नहीं मैंने जो गोलू भोलू वाला एग्जांपल बनाया था उसमें कैश प्राइस कितना था दस लाख अब तीन लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे इंटरेस्ट तो तेरह लाख रुपए का हायर परचेज प्राइस, प्राइस हुआ ये देखिए कैश प्राइस कितना था ये लिखा था जी टेन लाख रुपी इंटरेस्ट कितना दे रहे थे आठ और ग्यारह लाख का डिफरेंस थ्री लाख रुपए तो दस और तीन मिला दिया तेरह लाख रुपए हायर परचेज प्राइस था या तो ऐसे कह सकता हूं या फिर आई कैन से डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स तो हमने उस केस में दो लाख रुपए की की थी डाउन पेमेंट और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर दिया था तो गया डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स दिखा दें ये ये लीजिए देखिए डाउन पेमेंट थी दो लाख की और ग्यारह लाख रुपए दिया था इंस्टॉलमेंट्स में था। थाउजेंड की एक इंस्टॉलमेंट थी ट्वेंटी टोटल इंस्टॉलमेंट्स थी तो टोटल ग्यारह लाख दिया था दो लाख रुपए इमीजिएट और ग्यारह लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में तो भी थर्टीन लेख ही आता है तो किसी भी तरह से हम इसे देख सकते हैं हालांकि जो ज्यादा पॉपुलर है वो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट के तौर पर है सिर्फ पॉपुलर कह रहा हूं ठीक नहीं ठीक दोनों ही हैं किसी प्रकार की दिक्कत इनमें नहीं है एग्जाम में कई बार इस चैप्टर से थेरी क्वेश्चन आ जाता है इसलिए हम इसको बड़े बकायदा तरीके से जो है लिख रहे हैं आए जी आगे बढ़ते हैं एक और पॉइंट आ रहा है स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट ये भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ लेता होता है स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं एक एक करते हुए लिखना नंबर वन पोजेशन नंबर वन पोजेशन इमीजिएटली या ऐसे नहीं सॉरी टुको After the contract of higher purchase is made, after the contract of higher purchase is made, comma the higher vendor transfers the, the higher vendor transfers the जेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर दोजेशन ऑफ गुड्स टू द हायर परचेजर इमीजिएटली तो स्पेशल फीचर है एग्जाम में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन तो जितने भी स्पेशल फीचर लिख लेते हैं नया कुछ नहीं जो सीखा है उसी को लिखना है तो स्पेशल फीचर नंबर वन होगी कि जैसे कॉन्ट्रेक्ट रेडी हुआ तो हायर वेंडर कहते कि भाई ये लो सामान और ले जाओ तो पोजेशन दे दी क्या ओनरशिप भी दी जी नहीं ओनरशिप अभी नहीं दी है हम क्या करें हायर में चलते हैं पोजेशन दे दी डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट जनरली एट द टाइम ऑफ generally at the time of higher purchase agreement generally at the time of higher purchase agreement comma higher purchaser higher purchaser makes some payment जनरली एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट हायर मेक सम पेमेंट ब्रैकेट में कॉल्ड डाउन पेमेंट ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉल्ड डाउन पेमेंट काफी बच्चे जब लिखते हैं ना लिखते लिखते पता क्या करते हैं ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं हाय हाय हाथ दुख रहा है ओ यारा मेहनत करनी है तो थोड़ा सहना तो पड़ेगा तो सहते रहो लिखते रहो बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है आयोजित किया गया टीआरजी के द्वारा स्पेशली फॉर यू गाइज नेक्स्ट लिखेंगे जी नेक्स्ट पॉइंट डाउन पेमेंट हो गई अब बारी आ रही है जी इंस्टॉलमेंट्स की अब बारी आ रही है इंस्टॉलमेंट्स की द बैलेंस अमाउंट Is to be paid by the higher purchaser to higher vendor over a time period in पीरियॉडिकल इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अमाउंट बैलेंस अमाउंट कौन सा क्या मतलब बैलेंस अमाउंट का अमाउंट नॉट पेड एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट तो जो पैसा आपने एग्रीमेंट के समय पे नहीं किया वो आपको देना पड़ेगा कैसे धीरे धीरे करते हुए धीरे धीरे करते हुए मतलब इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा ओवर अ टाइम पीरियड फुल स्टॉप यहां लिख लेंगे इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट यह तीसरी स्पेशल फीचर हो गई जी हायर परचेज एग्रीमेंट की चौथी फीचर चौथी फीचर पर आए कॉन्स्टिच्युएंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहा एग्जाम में आता है तो हमें पॉइंट्स एटलीस्ट सारे यही वाले लिखने होंगे अंदर की इन्फॉर्मेशन आप अपने लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं बट पॉइंट्स यही हमारे रहने चाहिए तो एक पॉइंट हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं कि स्पेशल फीचर में कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट जो हमने अभी देखा कि इंस्टॉलमेंट के अंदर दो चीजें रहेंगी एक तो जो पैसा आपका अधूरा रह गया था कैश प्राइस था मान लो दस लाख दो लाख दिया तो आठ लाख बच गया तो उसका पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में होगा और साथ में क्या होगा इंटरेस्ट जिसको फाइनेंस चार्ज भी बोला जाता है लिखते आइए each installment consists of two elements a point capital payment ekg portion of आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस और प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आप कह सकते हो कैपिटल पेमेंट यानी कि पोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और दूसरा फाइनेंस चार्ज ये क्या चीज है जी इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट जितना अमाउंट अनपेड है उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट होता है वो यहां पर आ गया लिख लीजिए इसे प्लीज राइट डाउन उस सब छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुद से मांग लाऊंगा तेरा लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा ला 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 ये लीजिए जी आई होप ये लिख लिया पांचवे नंबर पॉइंट पर हम आते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट ओनरशिप फिफ्थ नंबर पॉइंट आ रहा है जी ओनरशिप ये हम समझ गए कि ओनरशिप सीख चुके हैं सिर्फ लिखने की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी हायर परचेजर को ओनली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज बिन पेड आई जी द ओनरशिप ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज The ownership of goods under higher purchase gets transferred to the higher purchaser. The ownership of goods under higher purchase gets transferred to the higher purchaser only after the payment of last installment. ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर लास्ट में भी डिफॉल्ट हो गया ना तो भी आप ओनर नहीं बनोगे तो भी आप ओनर नहीं बनोगे सारी इंस्टॉलमेंट पे होने चाहिए जी लास्ट पॉइंट लास्ट स्पेशल फीचर रिपोजेशन लास्ट स्पेशल रिपोजेशन मैंने बताया था कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया तो हायर परचेज हायर वेंडर आएगा चीज उठाकर ले जाएगा उसको बोलता है रिपोजेशन इफ हायर परचेजर मेक्स द डिफॉल्ट इन इफ हायर परचेजर मेक्स द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ any installment if higher purchaser makes the default in payment of any installment comma higher vendor higher vendor has the right to take the goods back टू टेक द गुड्स बैक हायर वेंडर राइट टू टेक द गुड्स बैक सवाल उठता है क्या कुछ पैसे वैसे वापस करेगा क्या जी नहीं एज पर लॉ उसको कोई जरूरत नहीं है कॉम्पेंसेट करने की हायर वेंडर हैज द राइट टू टेक द गुड्स बैक विदाउट मेकिंग एनी कॉम्पेंसेशन हैज द राइट टू टेक द गुड्स बैक विदाउट मेकिंग एनी कम्पेंसेशन यानी कि जो पैसा वैसा है वो वापिस करने की आवश्यकता नहीं है यहां तक एक बार रुकते हैं जितना किया आपने एक बार प्राइवेट से गोथ्रू करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं

एग्जाम में हद से हत्यात अगर क्वेश्चन आते है तो थेरी क्वेश्चन आते हैं कि भाई हायर परचेज ट्रांजेक्शन और इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन में जो है डिफरेंस बता दीजिए तो हम उस चीज़ को आज ही खत्म कर देते हैं आई हैड टू ऑप्शन एज अ टीचर कि पहले सिर्फ हायर परचेज चैप्टर पूरा पढ़ें और लास्ट में जाकर थोड़ा सा से इंस्टॉलमेंट सेल बता दें लेकिन अगर आज सारे बेसिक्स की बात हो ही रही है तो हम इसको आज ही खत्म कर देंगे आज के बाद इंस्टॉलमेंट सेल की बात कभी नहीं होगी होता क्या इंस्टॉलमेंट सेल का मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इसको नॉर्मली बोल देते हैं या इंस्टॉलमेंट सेल बोला जाता है इसको जिसके अकॉर्डिंगली गुड्स आपने खरीदे सिमिलर वे में आप धीरे धीरे गुड्स के लिए पे करते हैं लेकिन डिफरेंस है हायर परचेज एक्ट जबकि जो सेल की ट्रांजेक्शन है उसके लिए होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंस्टॉलमेंट वाली सेल के लिए तो दोनों में कुछ डिफरेंसिस हैं जो मेन डिफरेंस है वो बता देता हूँ बाकी तो हम नोट करेंगे भी डिफरेंस difference, डिफरेंसेज uh, दोनों के बीच में हायर परचेज के केस में हमने का जो पोजेशन है वो तो इमीजिएट आ गई परचेजर के पास लेकिन जो ओनरशिप है वो इमिजिएट नहीं है ओनरशिप कब आएगी ओनली एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी जबकि इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं है जैसे ही आपने कुछ पैसे दिए चीज आ गई आपके पास तो ओनरशिप भी सेम टाइम पर ही ट्रांसफर हो जाती है वो ट्रांजेक्शन है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वाली इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन जिसको कहते हैं तो दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग है हमें पूरे चैप्टर के अंदर जो अकाउंटिंग करनी है वो हायर परचेज की ही करनी है लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल के बारे में जरूर थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में थियरी क्वेश्चन इसका पॉपुलर है ठीक आ जाओ तो हम यहां पर लिखते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट वन हो गया बेसिक्स ऑफ हायर परचेज Concept two, Concept two, Installment Payment System and डिफरेंस एंड डिफरेंस एज कंपेयर्ड टू हायर परचेज सिस्टम तो हम इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत समझ रहे हैं इंस्टॉल पेमेंट सिस्टम क्या है एंड डिफरेंस क्या है एज कंपेयर टू दी हायर परचेज सिस्टम लिख लीजिए बेटा हेडिंग कॉन्सेप्ट टू इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड डिफरेंस एज कम्पेयर टू दी हायर परचेज सिस्टम वन मिनट स्टार्ट करते हैं मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखवाना बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गाइज ओवरबर्डन विद अननेसेसरी थिंग्स आइए जी पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात कर लें इंस्टॉलमेंट सेल भी कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं अंडर दिस सिस्टम The transaction of Sale completes. The transaction of Sale completes immediately on signing the agreement under the system. The transaction of sale completes immediately on signing the agreement, full stop. The ownership of goods. The ownership of goods, my possession holder, the ownership of goods is passed immediately to the buyer.

आगे लिखते हैं अभी पहले यहां तक पौधी चलिए सो डिफरेंस लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम लिखे जी ओपाई पाई सीरियल नंबर बेसिस ऑफ डिफरेंस हायर परचेज ऑन ऑन दी अदर साइड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ये लीजिए लाइन मेरी सीधी क्यों नहीं लगती है? यार बच्चों की लाइन एकदम सीधी लग जाती है मच बेटर चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर वन गवर्निंग एक्ट गवर्निंग एक्ट मतलब कौन से एक्ट के द्वारा आपको गवर्न किया जाता है ट इज गवर्नड बाय दायर परचेज एक्ट नाइनटीन सेवेंटी इंस्टॉलमेंट वाले में लिखेंगे जी इट इज गवर्नड बाय दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एकदम से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सर सेल ऑफ गुड्जेक्ट सर ये तो हमने पढ़ा है सर बचपन में बचपन में पढ़ा सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वही है ये पॉइंट नंबर दो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट नंबर दो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायर इट्स एन एग्रीमेंट ऑफ हायर ऑन द अदर साइड इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल हायर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली हायर का एग्रीमेंट ही है लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला वो प्रॉपर सेल का एग्रीमेंट है ठीक है ना नंबर थ्री नेम ऑफ पार्टीज पार्टीज को क्या बुलाया जाता है द पार्टीज इन्वॉल्व आर हायर परचेजर इसको हायरर भी बोलते हैं जी कहीं अगर आप पढ़ लो तो घबराना नहीं है हायर और दूसरा हायर वेंडर पार्टीज इन्वॉल्डर हायर परचेजर एंड हायर वेंडर ऑन द अदर साइड क्योंकि वहां तो सेल की ट्रांजेक्शन ही है तो पार्टीज को क्या बोलेंगे बायर एंड सेलर ए पॉइंट बायर बी पॉइंट सेलर वहां तो पार्टीज का नाम बायर और सेलर ही होता है नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो कॉमन पॉइंट है वो नहीं लिख रहे डिफरेंस के लिख रहे हैं ऐसा नहीं लिख दे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हायर परचेज में इमीजिएट सेल वाले में immediate. ओ भाई डिफरेंस ढूंढना है सेम चीज नहीं लिखनी ओनरशिप डिफरेंट है हायर परचेज में ओनरशिप कब होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जबकि सेल वाले केस में तो इमीजिएटली हो जाएगी तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप Ownership is transferred to higher purchaser. Ownership is transferred to higher purchaser after the payment of last installment. ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू हायर परचेज आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बगल में लिखेंगे ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इमीजिएटली एट द टाइम ऑफ सेल ओनरशिप को एक और नाम से जाना जाता है लिख दें ब्रैकेट में टाइटल ऑफ गुड्स ओनरशिप को टाइटल ऑफ गुड्स भी बोला जाता है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नंबर पांच पॉइंट कॉम्पोनेंट इन एक्सेस ऑफ कैश प्राइस कॉम्पोनेंट इन एक्सेस ऑफ कैश प्राइस क्या मतलब है कि जो आप कैश प्राइस से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं जो एक्सेस में दे रहे हैं पैसा उसको क्या बोलते हैं हायर परचेज के केस में टेक्निकल नेम क्या हायर चार्जेस लेकिन इंस्टॉलमेंट वाले केस में क्या नाम है उसका इंटरेस्ट हालांकि मैंने कहा था चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हायर परचेज में भी हम इंटरेस्ट यूज कर लेते हैं बट टेक्निकली देखा जाए सही तरीके से देखा जाए तो हायर चार्जेस वर्ड यूज होता है लिखेंगे सच कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड हायर चार्जेस ब्रैकेट में रिमेन्स इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट रिमेन्स इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट हमने सीखा था ना इंस्टॉलमेंट के अंदर दो पॉइंट होते हैं दो कंपोनेंट होते हैं एक कैश प्राइस वाला और दूसरा अदर जो अदर वाला है उसका नाम क्या है हायर चार्जेस साथ में लिखेंगे इसके सच कंपोनेंट इज कॉल्ड सच कंपोनेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ब्रेकेट में लिख देंगे सेम रिमेन्स इंक्लूडेड इन बोले रिमेन्स इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट लिख लीजिए जी ये भी कंपोनेंट्स इन एक्सेस ऑफ कैश प्राइस आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर पर सेलर्स राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय परचेजर सेलर राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय परचेजर मतलब जिसने परचेज किया अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो सेलर के पास क्या राइट right है हमने हायर परचेज वाले केस में तो सीख लिया अब तक कि भाई अगर आपने किसी भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया ना तो हायर वेंडर आएगा और अपनी चीज को वापिस ले जाएगा मतलब ही राइट टू रीपोसेज द गुड्स जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट में इंस्टॉलमेंट सेल वाले केस में सेलर के पास ये राइट right नहीं है सेलर बस क्या कर सकता है हद सेट में जाके के केस कर सकते हैं आपके अगेंस्ट पैसे के लिए लेकिन चीज वो वापस नहीं ले सकता ठीक है ना तो सेलर का राइट क्या है वो भी अलग अलग है दोनों में लिख लेते हैं इफ दी हायर परचेजर मेक्स एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट इफ दी हायर परचेजर मेक्स एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट comma higher vendor has the right higher vendor has the right to take the possession of goods back has the right to take the possession of goods back take it now. If the higher purchaser makes any default in payment, higher vendor has the right to take the possession of goods back case. if the buyer makes any default in payment seller doesn't have if the buyer makes any default in payment seller doesn't have the right to take possession of goods seller doesn't have the right to take possession of goods full stop he can sue for price he can sue for price break it means ब्रिंक द केस इन कोर्ट ऑफ लॉ स्यू फॉर प्राइस का मतलब है कि आपके अगेंस्ट परचेजर के अगेंस्ट के केस कर सकते हैं जी हद से हद पैसा लेने के लिए लेकिन पोजेशन तो बिल्कुल नहीं ले सकते तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर सात बायर्स राइट टू रिटर्न द गुड्स ये एक नई चीज आई जी बायर्स राइट टू रिटर्न द गुड्स जिसने खरीदे थे क्या वो गुड्स वापिस कर सकता है सवाल खड़ा वो भाई गुड्स वापिस करने क्यों है खरीद कर लाए थे रखो ना लेकिन समझिए आपने जोश जोश में डाउन पेमेंट कर दी आप कहते बंद इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा जॉब थी आपकी एक लाख रुपए सैलरी आती थी आपने कहा पचास हजार इसमें से मैं दे दिया करूंगा जॉब चली गई नहीं है पैसे नहीं है पैसे अगर इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई और आपने पैसे ना पे किए तो हायर वेंडर आएगा सामान उठाकर ले जाएगा मोहल्ले के लोग देख रहे हैं गाड़ी जा रही है उठकर गलत बात है तो आप चुपचाप हायर वेंडर के पास गए हाथ जोड़े कि भाई साहब मेरे पास तो और पैसे नहीं है तो ऐसा करो ये अपनी चीज वापस ले लो तो ये राइट जो है ये मिल जाता है हायर परचेज के केस में लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ये राइट आपके पास नहीं है आप गुड्स वापस नहीं कर सकते यू विल हैव टू मेक द पेमेंट एनी हाउ सिंपल सी बात है जी लिखते हैं आइए बायर्स राइट टू तो रिटर्न द गुड्स द हायर परचेजर The hire purchaser may return the goods without further payment, but he will have to pay. फॉर द इंस्टॉलमेंट ड्यू हायर परचेजर में रिटर्न द गुड विदाउट फर्दर पेमेंट लेकिन जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है वो पेमेंट आपको करनी होगी जिस दिन वापिस करने के उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट है उनकी पेमेंट नहीं करनी लेकिन जिस दिन वापिस करने तब तक का जितना इंस्टॉलमेंट बन चुका है ड्यू वो सारा पे करना होगा ठीक है ना द बायर कांट रिटर्न द गुड्स कॉमा अनलेस द सेलर डिफॉल्ट मतलब बायर का राइट नहीं है रिटर्न करने का नॉर्मली बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स लेकिन एक केस में उसके पास राइट आ सकता है कब अगर सेलर ने ही डिफॉल्ट कर दिया यह क्या चक्कर हुआ मान लो सेलर ने आपको कोई चीज बेची यू आर पीसफुल पोजीशन और सेलर ने वो वाली चीज दोबारा से किसी और को बेच दी बेच तो नहीं सकता लेकिन बेच दी मान लो एक कार है आपके पास सेलर ने धोखाधड़ी से वो कार किसी और को ही बेच दी तो जिस पार्टी को उसने कार बेची वो आपको आकर तंग करना कहता है, ये कार मेरी है मैंने इसके पैसे दिया मुझे दो अब सेलर ने क्या कर दिया डिफॉल्ट कर दिया अब आपके पास ये राइट है कि आप जो बाकी का पैसा है उसका भुगतान ना करें और जाकर सेलर को वापिस कर दें क्योंकि इस जगह पर सेलर ने डिफॉल्ट कर दिया मतलब नॉर्मली बायर के पास राइट नहीं है आपके पास गुड्स को रिटर्न करने का राइट नहीं है अगर ध्यान से समझें तो इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाले केस में जिस दिन एग्रीमेंट साइन हो उस दिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई ना तो हायर वेंडर के पास राइट है आकर गुड्स को वापस लेने का अगर आपने डिफॉल्ट किया ना तो वो गुड्स वापस ले सकते हैं और ना ही आप उसको गुड्स जाकर वापस दे सकते हो लेकिन हायर परचेज वाले केस में ऐसा नहीं है अगर आपने डिफॉल्ट किया तो हायर वेंडर आएगा सामान लेकर चला जाएगा सिमिलरली आप भी गुड्स वापिस कर सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है बट आपको तब तक की इंस्टॉलमेंट सारी की सारी पे करनी पड़ेंगी जितनी ड्यू हो चुकी है आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए जी नेक्स्ट पॉइंट राइट ऑफ डिस्पोजल एट्थ पॉइंट आ रहा है राइट ऑफ डिस्पोजल क्या मतलब है जी एक बार आपने अगर चीज खरीद ली और आप बायर बन गए तो आप उसके जो मर्जी करें कोई क्यों रोकेगा आपको मान लीजिए मैंने मार्केट से ये कैलकुलेटर खरीद लिया अब खरीदने के बाद मैं इसका कुछ भी करूं मेरी चॉइस है। लेकिन आई शुड बी दी ओनर इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाले सिस्टम में तो हम ओनर हैं हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हायर परचेज वाले केस में मैं ओनर नहीं बना मैं ओनर कब बनूंगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई आप इसे ना तो सेल कर सकते हैं ना प्लेज कर सकते हैं पढ़ा था ना बेलमेंट प्लेज प्लेज का मतलब गिरवी रखकर पैसे एक्सेट्रा ले आना वो ये काम आप सब नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट स्टिल ओनर। लिखते हैं आइए राइट ऑफ डिस्पोजल The परचेजर कैन नॉट सेल प्लेज और Assign the goods to any transferee. The higher purchaser cannot sell, pledge, or assign the goods to any transferee as he is not the owner yet. ही इज नॉट ओनर इट होगा क्या है? दिक्कत क्या दिक्कत है अगर ये अलाउ कर दिया जाता मान लो आपने प्लेज कर दिया आप उठाकर गिरवी रखकर उस चीज को लेट से कार थी आप कार को गिरवी रख के पैसे ले आए और आपने हायर वेंडर की किस्त देने से मना कर दिया डिफॉल्ट कर दिया अब हायर वेंडर आया अपना गुड्स लेने के लिए गुड्स आपके पास है ही नहीं गुड्स कहाँ पड़े हैं किसी थर्ड पार्टी के पास पड़े हैं अब हायर वेंडर कहता वहां जाकर ला भाई मेरी कार दे वो कहता मैं क्यों कार दूं इस कार के बदले तो मैंने गिरवी रखा हुआ है पैसे दिए हुए पहले मेरे को पैसे दो तो आपकी हायर परचेजर की इस हरकत के कारण झगड़ा किन दोनों में हो रहा है हायर वेंडर में और जिसके पास आप प्लेज करवाकर आए हो तो यह दिक्कत हो जाएगी इसलिए कहा गया कि आप जब तक ओनर नहीं बने तब तक आप सेल्फ प्लेज असाइन नहीं कर सकते ऑन द अदर साइड द बायर में डिस्पोज ऑफ द गुड्स And give the good title to bona fide transferee. The buyer may dispose of the goods and give the good title to bona fide transferee. मतलब क्योंकि आप उस केस में तो बायर बन चुके हो ओनर आप हो तो आप जिस मर्जी तरीके से डिस्पोज ऑफ करो सेल करो प्लेज करो वट और अगर सेल किया तो जो ट्रांसफर ही है जिसको ट्रांसफर किया आप उसको गुड टाइटल भी ट्रांसफर कर दोगे जबकि हायर परचेज में ऐसा नहीं है क्योंकि आप ओनर ही नहीं है ठीक है ना तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन थे एग्जाम में आएगा तो हम बड़े इजीली इसको कर सकते हैं और इतना करने के पश्चात अगर मैं एक बार आपको क्लास पजल पर लेकर चलता हूं अगर मैं आपको क्लास पजल पर लेकर चलता हूं तो बातों बातों में हमारा ये दो प्रश्न हो गए बातों बातों में बातों बातों में ये देखिए जी पहला था एक्सप्लेन स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट तो ये तो हमने कर लिया एग्जाम का क्वेश्चन है नवंबर 2017 में फोर मार्क्स के लिए पूछा था हमने नवंबर 2017 में लिख लीजिए पहले फोर मार्क्स के लिए प्रश्न जो है पूछा गया था तो हमने जब यहां पर ये बातचीत करी ये लिखा था जी स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट तो ये क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया तो यहां पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में लिख दें स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट के इट इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन वन ये हमारा क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन है आप भी जाकर लिख लें स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में जितने भी बेसिक चीजें हैं सारे की सारी हमने सीख ली हैं अब क्वेश्चन नंबर टू पर आए वट आर दिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो भाई ये भी हमने कर लिया ये क्वेश्चन भी नवंबर 2014 में एंड मई 2017 में फोर फोर मार्क्स का दोनों बार पूछा गया नवंबर 2014 में और मई 2017 में चार चार नंबर का पूछा गया और हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो दिस इज दी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर टू ये है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर टू ठीक हुई जी बात ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे मिलके तुम मुझसे जुदा मत हो नरे

जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था यहां पे गोलू और भोलू वाला यहां पर हमने कई टर्म सीखी कैश प्राइस डाउन पेमेंट हायर परचेज प्राइस और इंटरेस्ट सबसे पहले इन चीजों के ऊपर मास्टरी होना बहुत जरूरी है मैंने साथ में ये कहा आपको इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है जो स्कोप है दैट इज द बुक्स ऑफ हायर परचेज एंड द बुक्स ऑफ हायर वेंडर दोनों की किताबों में जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट सीखने हैं जर्नल एंट्री सीखनी है क्योंकि लेजर अकाउंट बनाने हैं एग्जाम में लेजर अकाउंट ही आते हैं लेकिन उन दोनों की बुक्स पर जाने से पहले अकाउंटिंग करने से पहले वी शुड हैव दी क्लैरिटी अबाउट दीज थिंग्स क्योंकि क्वेश्चन तो आपको डाटा दे देगा ये कैश प्राइस ये हायर परचेज प्राइस एक्सेट्रा इंटरेस्ट निकालने कैसे निकालें मान लो कैश प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया हायर परचेज प्राइस दिया तो कैश प्राइस तक कैसे पहुंचू तो काफी सारे केसेस बनते हैं हर एक केस को हमने अच्छे से समझना है सीखना है क्योंकि क्वेश्चन में इनमें से कोई भी केस अट्रैक्ट हो सकता है और अकाउंटिंग फिर से वही कह रहा हूं कि बुक्स ऑफ हायर परचेजर बुक्स ऑफ वेंडर तक पहुंचने से पहले हमें इसको समझना होगा तो अब इससे संबंधित कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्ट होंगे तो हम यहां पर लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थ्री कॉन्सेप्ट नंबर थ्री कैश प्राइस गिवन सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस लीग में लेकिन हर में चलते हुए दो कॉन्सेप्ट हम लिख चुके तो तीसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है कैश प्राइस गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन कैश प्राइस गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ठीक हो गई जी बात अरे हुआ ये लीजिए तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कैश प्राइस गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है करना क्या है आराम से देखेंगे इसमें मैं तीन केस बनाऊंगा और एक एक केस को अलग अलग हमें समझना है आ जाइए केस ए क्वेश्चन डेंट प्रोवाइड दी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन डजेंट प्रोवाइड दी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट केस ए है लिखिए आराम से भी समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं एटलीस्ट प्रैक्टिकल पोर्शन कॉन्सेप्ट थ्री हम कह रहे हैं कैश प्राइस गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है केस ए क्वेश्चन डजेंट प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या करना है इस केस में लिखेंगे वी कैन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आर जनरली गिवन होगा क्या मान लो क्वेश्चन आपको कहता है यार आपने ना दस लाख रुपए की चीज ली दो लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया तो बाकी कितना रह गया आठ लाख क्वेश्चन क्या था आपने ना चार इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो आठ लाख रुपए डिवाइड बाय चार करो क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है तो बाकी का अमाउंट आ गया ना लेकिन जो अमाउंट आया क्या उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है आराम से सोचो दस की थी, मैंने दो लाख रुपए लाख लाख दे दिए बैलेंस रह गया ही आठ आठ क्या है सिर्फ कैश प्राइस प्रिंसिपल पोर्शन चार इंस्टॉलमेंट में देना है तो आठ लाख डिवाइड बाई चार किया, तो जो दो आया, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब ये वो इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर अभी तक इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो हम कह रहे हैं वी कैन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जनरली गिवन स्टॉप सच इंस्टॉलमेंट सच इंस्टॉलमेंट डजेंट doesn't इंटरेस्ट सच इंस्टॉलमेंट डजेंट doesn't इंटरेस्ट interest. ठीक है ना इससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे डोंट वरी सच इंस्टॉलमेंट डजेंट इंक्लूड इंटरेस्ट कैसे एक क्वेश्चन करते हैं लेटेस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन क्या कुछ और लिखवाऊ इसमें या सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं लीजिए क्वेश्चन वन कैश प्राइस रुपी टेन लैख Down payment twenty percent. Balance is to be paid at the end of each year in four equal annual installments. Balance is to be paid at the end of each year in four equal annual installments. Rate of interest is 20% per annum compounded annually. Rate of interest is 12% per annum compounded annually. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन लिख लीजिए जी तो क्वेश्चन में कहा कैश प्राइस है दस लाख डाउन पेमेंट बीस परसेंट यानी कि दो लाख इमीडिएटली दे दिए जो बैलेंस है उसको कहते हैं चार इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना मतलब हर साल एक इंस्टॉलमेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट है बीस परसेंट का कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर साल के बाद बीस परसेंट लगता है आसान हो गया कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट देखते हैं आराम से आइए सबसे पहले बेसिक चीजें बना लें कैश प्राइस कितना है भाई दस लाख रुपए डाउन पेमेंट कितना किया ट्वेंटी परसेंट तो दस लाख रुपए का ट्वेंटी परसेंट यानी कि दो लाख रुपए इतनी बात समझ में आ गई बैलेंस कैश प्राइस टोटल दस लाख रुपए देना था जिसमें से दो लाख इमिजिएटली दे दिया तो आठ लाख रुपए रह गया बैलेंस कैश प्राइस ठीक है ना और क्वेश्चन ने क्या बोला कितने इंस्टॉलमेंट और टोटल चार बैलेंस कैश प्राइस पता चल गया आठ लाख तो मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट लेकिन कौन सा पोर्शन सिर्फ कैश प्राइस वाला पोर्शन प्रिंसिपल पोर्शन सिर्फ कैश प्राइस कितना है इसमें अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एट लैख डिवाइड बाई चार टू लैख रुपये यानी कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट मैंने देनी है चार हर इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल कितना है दो लाख ,00 है तो हमें अलग से निकालना है इंटरेस्ट कितना है हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट को जोड़ूंगा तो हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनता चलेगा बहुत ही बेसिक बहुत ही आसान शुरुआत कैश प्राइस दिया था डाउन पेमेंट दिया बैलेंस निकाल लिया चार इंस्टॉलमेंट तो दो लाख रुपया हर इंस्टॉलमेंट के अंदर देना है ओके आई गेस यहां इसको आराम से करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ठीक है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंटरेस्ट कितना है ट्वेंटी परसेंट प्रिंसिपल हमें पता है और ये फाइनली आ जाएगा जी इंस्टॉलमेंट इसको कह देते हैं ए ये बी हो गया ये सी ये डी और ये ई e, आराम से देखते चलेंगे हमें कितनी बार में देना है चार बार में पैसा देना है ईयर वन मैं यहां पर थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से बताऊंगा सो so देट समझना हमारे लिए आसान रहे जो आज की डेट है उसको बोलते हैं जीरो पीरियड ये वन ये टू ये थ्री और ये फोर ये चीजें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाते हैं अक्सर लेकिन हाँ हमें यहां पर भी सीखना पड़ेगा जीरो पीरियड मतलब आज आपने कितना पैसा दे दिया टोटल दस लाख कैश प्राइस था आपने दो लाख दे दिया तो आठ लाख पेंडिंग रह गया जब आप पहली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो यहां पर इंटरेस्ट हमेशा लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपने कितने रुपए कम दिए पार्टी को आठ लाख तो वो पहले पूरे साल में जो इंटरेस्ट लगाएगा दैट विल बी ऑन एट लैख जो इंटरेस्ट होगा That will be on 8 ,00 ,00. और कितना परसेंट है बीस परसेंट तो जब आप यहां पर पहली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं यहां पर आपको पे करना होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन एट लैख एट ट्वेंटी परसेंट एक लाख साठ हजार रुपये आप यहां इंटरेस्ट दोगे राइट right? आराम से आराम से करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना पहले साल में आठ लाख इंटरेस्ट किस पर आता है जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो आई कैन से सी इज इक्वल टू बी इंटू ट्वेंटी परसेंट तो जो आठ लाख रुपए आपका देना था मैं सिर्फ लिख चल ठीक है जरूरत भी नहीं लाख बीस परसेंट कितना आ गया एक लाख साठ हजार प्रिंसिपल पेमेंट कितना दिया आपने दो लाख वो तो हमने ऊपर निकाल ही लिया कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दो लाख रुपए का है इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है आज के लेक्चर में हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट मीन प्रिंसिपल वेल इंटरेस्ट तो इज इक्वल टू प्लस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड कर दीजिए तो ये आ गया थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड क्या बात समझ में आई आठ लाख ,00 रुपया पेंडिंग है जो देना है इंटरेस्ट लगेगा इस आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस के बैलेंस पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर आ गया एक लाख साठ हजार प्रिंसिपल तो फिक्स ही है दो लाख तो दो लाख में एक लाख साठ हजार अब आ गए दूसरे साल पर जब हम यहां पर कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस आउटस्टेंडिंग बैलेंस का मतलब है प्रिंसिपल वाला पोर्शन चाहे तो मैं यहां पर ब्रैकेट में फर्स्ट क्वेश्चन है तो लिख देता हूं प्रिंसिपल पोर्शन ये देखिए ये कितना रुपया था बच्चे आठ लाख रुपए आपने इसमें से कितना प्रिंसिपल यहां पर दिया आई पेड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टू लैक ओवर हेयर तो यहां कितना आउटस्टैंडिंग आपका चल रहा है इस पीरियड में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है छह लाख तो छह लाख रुपए पर ही आपका इंटरेस्ट आएगा यहां कितना आउटस्टैंडिंग था आठ लाख लेकिन उसमें से दो लाख का प्रिंसिपल तो दे दिया तो छह लाख का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग सिर्फ रहता है तो इस छह लाख पर ही आपको इंटरेस्ट देना है तो छह लाख का बीस परसेंट एक लाख बीस हजार प्रिंसिपल तो सेम है दो लाख तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की गई दो लाख प्रिंसिपल प्लस एक लाख बीस हजार का इंटरेस्ट तीन लाख बीस हजार रुपए की ठीक है ना नॉर्मल सबसे हायर परचेज में कि जो भाई है, उसका क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा नंबर थ्री पर आ गए यहां चलते हैं। आपका आउटस्टैंडिंग छे लाख था बट के एंड पर आपने प्रिंसिपल दो लाख का और पे कर दिया तो छे लाख में से दो लाख और चले गए तो यहां पर आउटस्टैंडिंग कितना बचा सिर्फ चार लाख तो तीसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी ऑन दी फोर लैख रुपी यहां लिख दिया बेटा फोर लैख फोर लैख का ट्वेंटी परसेंट एट्टी थाउजेंड प्रिंसिपल अमाउंट तो फिक्स ही है टू लैख ,00 तो टू लैख ,00 में एट्टी थाउजेंड एड किया टू लैख एट्टी थाउजेंड का आपका इंस्टॉलमेंट बन गया आपने यहां पर तीसरे साल के एंड पर फिर से प्रिंसिपल दो लाख रुपए का पे कर दिया अभी जो आउटस्टैंडिंग चार लाख रुपए था ये आउटस्टैंडिंग सिर्फ कितना रह गया अब आउटस्टैंडिंग रह गया बेटा दो लाख रुपए तो आपको फोर्थ ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ दो लाख पर लगेगा तो हम यहां लिखेंगे जी ईयर नंबर फोर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है टू लैख टू लैख का ट्वेंटी परसेंट फोर्टी थाउजेंड प्रिंसिपल अमाउंट इज टू लैख सो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनता है जी दो लाख चालीस हजार रुपए दो लाख चालीस हजार रुपए सो चौथे साल के एंड पर हमने दो लाख भी पे कर दिया क्या अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग है जी नहीं दो लाख आउटस्टैंडिंग था और वही हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया सो so, अब कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है चौथे साल में आकर ये ट्रांजेक्शन खत्म हुई दूसरी चीज आप ये ऑब्जर्व करेंगे मैंने क्या बोला इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस धीरे धीरे कम होता जाता है तो इफ यू विटनेस दिस थिंग जो इंटरेस्ट आपको दिख रहा है इट कीप्स ऑन फॉलिंग इन ईच इंस्टॉलमेंट पहली बार हमेशा ज्यादा होगा इंटरेस्ट का पोर्शन पहले इंस्टॉलमेंट में क्यों क्योंकि प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज्यादा पेंडिंग है फिर आपने थोड़ा सा पे कर दिया तो तो आउटस्टैंडिंग कम रह गया इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो जाता है और इस तरह धीरे धीरे कम 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 होता जाता है ठीक है ना तो ये जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाई इंटरेस्ट बता दो हर ट्रांजेक्शन में वो भी बता दिया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता दो वो भी हमने बता दिया तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातचीत और करेंगे जितना आज किया इस बेसिक को एक बार पढ़ाना तो आगे के लेक्चर में हम इसकी बात फिर दोबारा नहीं करेंगे चलिए सेशन करते हैं खत्म नेक्स्ट सेशन मिलते हैं बाय बाय